वेलकम टू करण क्रंच स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का चैप्टर स्टेजेस एंड थियरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आपको मेरे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो वहाँ पे मैं पी डी एफ टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपलोड करती रहती हूँ एंड यूनिट सिक्स जो है आपका जिसमें स्कीम्स कवर हुई हैं उसका पार्ट वन का पी डी एफ भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा ठीक है तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मटीरियल एग्जाम आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड मुझे बताएं वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली दिस इज माई ई मेल आई डी करण क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से स्टेजेस एंड थियरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले होंगे जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो कुछ स्टेजेस में होती है जो आप आज हो चाहे आप ट्वेंटी टू थर्टी एज ग्रुप में आते हो या थर्टी टू फोर्टी एज ग्रुप में आते हो आप डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बन गए ना आपकी जो थिंकिंग है आज का आपका जो कंडक्ट है लाइफ को देखने का नजरिया है आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बन गए बचपन में कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे साथ जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं और अकॉर्डिंगली हर स्टेज जो होता है हमारे लाइफ का उसमें हम जो बनते हैं हर स्टेज में वो एक्चुअली क्या होता है वो ये डिपेक्ट करता है कि हमारी जो प्रीवियस स्टेज है लाइफ की वो कैसी रही होगी अगर बिल्कुल टॉडलर्स होते हैं या उससे थोड़े से बड़े प्री स्कूलर्स वगैरह उनको आप काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो फैमिली की तरफ से काफ़ी उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले प्यार मिले पेरेंट्स का ठीक है उनकी क्रिएटिविटी को वहाँ पर जो है इनकेज किया जाए तो नेक्स्ट स्टेज में उनकी डेवलपमेंट एक पॉजिटिव आउटलुक वाली होगी अगर ऐसे बच्चों को आप एनवायरनमेंट में जो टॉलर्स या प्री स्कूलर्स होते हैं काफ़ी उनको डरावना वाला माहौल घर में रखो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस मिले उनको पेरेंट्स के थ्रू ठीक है एंड क्रिएटिविटी uh, को इनक्रेज नहीं किया जाए बस मार्क्स पे फोकस किया जाए तो जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जब वो अपने स्कूल हाई स्कूल की तरफ जाएंगे तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो एक अलग तरीके की होगी ठीक है तो यही ये, ये बात क्या डिटरमिन डिटर्मिन करती है कि जो हमारी डेवलपमेंट है ये कुछ स्टेजेस में होती है और वो क्या स्टेजेस हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो हमारे सिलेबस में है थियोरीज थे ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसके जो मेन प्रपाउंडर्स थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी एक थे आपके जीन प्याजे सिगमिन फ्रूड एंड एरिक्सन ठीक है अब आपके सिलेबस में जीन प्याजे नहीं है

तीन मॉडल्स दिए थे या आप उनको तीन थियोरीज भी कंसिडर कर सकते हो उसी मॉडल में एक पार्ट आ जाता है जिसमें इन्होंने बात की थी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की क्योंकि हमारे सिलेबस में थियरीज एंड स्टेजेस दोनों चीज़ें मैंशन है तो हम क्या करेंगे हम सिगमेंट फ्रीवुड की जो थियरीज हैं ये जो तीनों थियरीज हैं ये डिस्कस करेंगे एंड उसी में हमारा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कवर हो जाएगा और जो एरिक Eric एरिक्सन की साइको सोशल थियोरी है इनमें इन्होंने सिंपली हमें एट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी है एथ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो आगे चलते हैं देखते हैं पहले सिगमेंट फ्रूट थियोरी इन्होंने कहा था कि ही वॉज ऑफ द व्यू दैट बोथ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फोर्सेज इन्फ्लुंस द पर्सनलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ठीक है अब एक कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फोर्सेज क्या होते हैं ये हमें आगे डिटेल में डिस्कस करने हैं तो फॉर नाउ आप ये लाइन जो स्कीप कर सकते हो विल कम बैक टू दिस लेटर आगे देखते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ आर माइंड या हाउ आर साइकी वर्क्स फ्रीव ने क्या किया था इन्होंने तीन मॉडल्स प्रपोज किए थे ये बताने के लिए कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है एक है आपका टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ साइकी जो एक्सप्लेन करता है हाउ आर माइंड इज ऑर्गेनाइज एक है, है, है आपका स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आर पर्सनैलिटी एंड लास्ट वन इज योर साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने दी थी तो इनको हम इनके तीन मॉडल्स या तीन थियोरीज भी कंसिडर कर सकते हैं तो पहले देखते हैं टोपोग्राफिक टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ आर साइकी तो इसमें इन्होंने कहा था एक्चुअली हमारे माइंड के तीन पार्ट्स होते हैं एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है एक आपका प्री कॉन्शियस माइंड होता है एंड एक आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कॉन्शियस माइंड होता है इट इज दैट पार्ट जो डील करता है विद करंट इंफॉर्मेशन दैट इज ऑल द थॉट्स फील्स फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ विच यू आर अवेयर एट द वेरी मोमेंट पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड ठीक है जो आप अभी सोचोगे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है आपको मैगी खानी है ठीक है तो ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा ये करंट इन्फॉर्मेशन है आपके स्टमक से ब्रेन में सिग्नल जाती है कि मैगी की क्रेविंग हो रही है अब जाओगे और मैगी बनाओगे तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो सबसे पहले जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको जहां से निकलेगी ठीक है जिसमें करंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी कि आपको मैगी अभी खानी है Second इज your प्री कॉन्शियस माइंड इट डील विद ऑल दोज इंफॉर्मेशन फॉर विच यू आर नॉट करेंटली अवेयर बट कैन बिकम ओनली इफ यू पे अटेंशन ठीक है जैसे कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता था मैगी खानी है तो वो आपका कॉन्शियस माइंड था प्री कॉन्शियस था कि आपको थोड़ा बहुत इस बारे में सोचना पड़ता है आपको मतलब रेडीमेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल मिलेगी उसकी या करटली आप अवेयर नहीं हो उसके बारे में तो आप तो पे अटेंशन आपको उस बारे में थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है फॉर एग्जांपल आपने दो दिन पहले कहीं पे पिज्जा खाया है अब आप चाहते हो दोबारा उसी टे, टेस्ट का पिज्जा जो आप घर में बनाओ तो आपको वो करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो पुराना हो गया दो तीन दिन पहले का तो आपको सोचना पड़ रहा है कि उस पिज्जा में क्या था क्या टॉपिंग्स थी उस पिज्जा में उस पिज्जा की बेस कैसी थी चीज़ कितना था ठीक है एंड क्या वो चिकन पिज्जा था या वेज पिज्ज़ा था तो आप ये सारी चीजें जो है सोचोगे वो रेडी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये आपके दिमाग में तब आएगी ओनली इफ यू पे अटेंशन टू इट वो आपका होता है प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड होता है जो काफी पहले आपके साथ कुछ हुआ होगा ऑफ विच यू आर वी आर अन अवेयर ऑफ जैसे यहाँ पे क्या था नॉट करंटली अवेयर लेकिन थोड़ा सोचोगे तो याद आएगा इसकी जो इन्फॉर्मेशन यू आर नॉट अवेयर ऑफ जैसे ऐसा हुआ होगा बचपन में किसी के साथ कुछ खाने से एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल पीनट बटर खाने से किसी को एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा बचपन में अब वो पीनट बटर जो उसने खाई थी तो वो उसे बीमार हो गया था ठीक है उसको रिएक्शन हो गया था उसे अब वो जो इंसान है उसको ये नहीं याद है पूरा कि एग्जैक्टली exactly मैंने किस क्वांटिटी में पीनट बटर खाई थी तो एलर्जिक रिएक्शन हुआ था एंड एग्जैक्टली किस टाइप का रिएक्शन हुआ था एंड वो ठीक कैसे हुआ था बस उसको पता है कि पीनट बटर खाने से कुछ गड़बड़ हुई थी उसके साथ उसको पूरी इंफॉर्मेशन जो है यूज नॉट अवेयर ऑफ दैट उसको वो याद नहीं है तो उसको अब उसकी इस बात पे कि बचपन में रिएक्शन हुआ था कुछ खाने से करते हैं फ्रूट और बोलते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है दिस पार्ट ऑफ माइंड स्टोर्स दो सोशली अनएक्सेबल नीड्स डिजायर मोटिवेशन फीलिंग्स फॉर विच यू आर अन उसके लिए हमें नहीं पता है कि कैसी फीलिंग्स है हमें पूरी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू हिम दिस अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड प्लेज वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग आर एक्शन ठीक है अब देख लो पीनट बटर की हो गई एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था कि अनकॉन्शियस होता क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी उसकी जानकारी नहीं है बट ट लेटेस्ट स्टेज ऑफ योर डेवलपमेंट आप पे वो इन्फ्लुएंस करेगा आपकी पर्सनैलिटी पे क्योंकि आप पीनट बटर खाना छोड़ दोगे अब चाइल्ड अब्यूज का ले लो बचपन में किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ होगा किसी तरीके का ऑल दो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन अगर ना भी याद हो कि किसने किया था किस तरीके से किया था मैं किस एज में था मैं तब क्या कर रहा था वो पूरी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास ना भी हो बट स्टिल लेटेस्ट स्टेज में क्या होगा वो थोड़ा उसकी जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी की वो उसी तरीके से होती है यूजुअली जिनके साथ ऐसा कुछ केस हुआ होता है वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं बड़े होके वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको कमिटमेंट फोबिया होता है वो किसी चीज़ से कमिट नहीं कर पाते वो शादी से डरते हैं ठीक है तो ऐसा जो है स्टडीज से सारी चीज़ें प्रूव हुई हैं जिनके साथ चाइल्ड एब्यूज़ हुआ होता है वो लेटर स्टेज में ऐसे बनते हैं तो वो भी अनकॉन्शियस हो सकता है कि आपको पूरा याद नहीं हो कि क्या हुआ था बहुत पहले एक इवेंट हुआ था जिसने टूवर्ड्स द लेटेस्ट स्टेज ऑफ योर डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया था तो ये होता है अनकॉन्शियस माइंड अब मैंने आपको कहा था कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि ही वॉज ऑफ द व्यू दैट बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फोर्सेज इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल तो कॉन्शियस हो चाहे प्री कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इन्होंने कहा था एक पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन चीजें आती हैं एक आपका आइडिया आता है एक ईगो आ गया एंड एक सुपर ईगो आ गया आईडी होता है आपका जो आपका इंपल्सिव कैरेक्टर होता है कि मुझे अभी ये चाहिए ये यूजुअली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है बेबीज में खासकर जब बच्चे को भूख लगी होती है और उसको माँ का दूध पीना होता है वो ये तो नहीं सोचता ना मेरी मम्मा मार्केट में है वो कार में है वो बस में है वो ट्रैवल कर रही है वो किसी फंक्शन में है वो क्या कर रही है वो किसी फ्यूनरल पे आई है नहीं उसको भूख लगी उसको दूध पीना है उसको अपनी वो डिजायर को फुलफिल करना है ठीक है तो उसको हम आईडी बोलते हैं वो हमारा आईडी पार्ट है पर्सनैलिटी का कि मुझे अभी चाहिए ये चीज ईगो होता है जो थोड़ा लॉजिक अप्लाई करता है कि क्या ये चीज़ अभी पॉसिबल हो सकती है या नहीं एंड सुपर ईगो होता है वो देखता है क्या मैं जो चीज़ मांग रहा हूं या कर रहा हूं मॉरली करेक्ट है कि नहीं ठीक है ये एक ही पर्सनालिटी के तीन एस्पेक्ट्स हैं ये जो ईगो एंड सुपर ईगो है ये बाद में आईडी का ही आगे एक आप बोल सकते हो एडिशन या वैल्यू एडिशन बोल सकते हो उसका डेवलपमेंट होती है आईडी की आप ईगो डेवलप होता है इंसान में जब वो लॉजिक और रैशनलिटी की बात करता है एंड सुपर ईगो होता है जब वो एक मॉरली करेक्ट बिहेवियर डिपेक्ट करता है तो सुपर एगो ईगो हमें बताता है कि इंसान के अंदर जो वैल्यूज हैं सोसाइटी की वो अच्छे से इंटरनलाइज हुई हैं। ये सोशलाइजेशन की बात करता है आपके लिए मॉरली करेक्ट जो चीज होगी वो जब सोचोगे कि कोई चीज मॉरली करेक्ट है कि नहीं तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे सोचोगे क्या सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी क्या मुझे सोसाइटी रिडिक्यूल तो नहीं करेगी अगर मैं चीज करूंगा बुरा भला तो नहीं कहेगी तो मॉरली क्या मुझे सोसाइटी जो है इस चीज के अंदर एक्सेप्टेंस uh, मिलेगी सोसाइटी से तो उसमें सोशलाइजेशन वाला पार्ट आ जाता है किसमें सुपर ईगो में एंड ईगो जब आप अपना लॉजिक लगाते हो अपनी रैशनल थिंकिंग के साथ कोई भी जो आप फेस करोगे सिचुएशन फिर लॉजिकली आप सोचोगे मुझे उससे बाहर कैसे निकलना है तो उसमें हम बोलते हैं उसका ईगो कितना डिव? हुआ है एंड इज नहीं बस मुझे अभी ये चीज चाहिए तो दिस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये ऑपरेट करती है अनकॉन्शियसली डील करती है विद बेसिक इंस्टिंग बायोलॉजिकल नीड्स एंड अग्रेसिव इम्पल्स कि बस मुझे अभी चाहिए मुझे और कुछ नहीं पता है मेरी बॉडी की नीड है इसको फूड चाहिए चाहे फिर आपकी मम्मा कहीं पे भी हो मुझे अपना ये पिलाओ मुझे दूध पिलाओ ठीक है ये मोस्ट प्रमेटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है प्रेजेंट सिंस बर्थ यूजअली और बच्चों में ही होता है इसलिए मोस्ट प्रमेटिव बोलते हैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकेगा ना कि आपको भूख लगी है और Uh, आप कहीं फ्यूनरल पे गए हो जहां पे आपको पता है कि अभी कुछ नहीं मिलेगा वहां जाके आप रो नहीं सकते हो कि नहीं मुझे अभी खाना दे दो क्योंकि वो आपका आईडी वाला पार्ट जो है लाइफ का वो खत्म हो गया है आपके अंदर ईगो एंड सुपर ईगो आ गया है फ्रॉम mm आईडी -hmm. जो अदर पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं दैट इज ईगो एंड सुपर ईगो वो डेवलप होते हैं इट वर्कस ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल दैट इज टेंडेंसी टू अवॉइड पेन एंड सीक प्लेजर जैसे बच्चे को दूध पीने में मजा आता है उसको दूध उसी टाइम पे चाहिए उसको अवॉइड करनी है पेन एंड उसको प्लेजर चाहिए लाइफ में द एम ऑफ आई डी इज टू ग्रेटिफाई वंस नीड इमीडिएटली पूरी करो मेरी जरूरत को बस अभी विदाउट कंसिडरिंग द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल तो इसको मॉरल moral, मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है ये जो हमारे आईडी uh, है फोर्सेज ऑफ आई डी इसमें दो चीजें याद रखना जो सिगमन फ्रूड ने कही थी एक थी इरोस एंड एक थी थेनेटॉस इरोस जो है इसको बोलते हैं गॉड ऑफ लव इन ग्रीक माइथोलॉजी ठीक है अकॉर्डिंग टू फ्रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई डी एरोस इज द लाइफ फोर्स ये वो चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके लिविंग आपके लाइफ इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल के लिए ठीक है सर्वाइवल के लिए क्या आपको जरूरत है फ्रीड के अकॉर्डिंग एक सेक्शुअल डिजायर रिप्रोडक्शन डिजायर रिप्रोडक्शन डिजायर एंड पेन अवॉयडेंस ये लाइफ इंस्टिंग है आपका सर्वाइवल के लिए आपको ये तीनों चीजों की जरूरत है फिर इस इको बैलेंस करता है आपका थे जिसमें थोड़ा नेगेटिव आस्पेक्ट आता है एंड इसको हम किसे रिलेट करते हैं आपके नेगेटिव फीलिंग से या इसको हम डेथ फोर्स भी बोलते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ पेन अवॉइडेंस के ही इर्द गिर्द नहीं घूमेगा ना कुछ नेगेटिव ये भी आएंगी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी आएंगी तो ये जो इरोस है इसको बैलेंस करता है थेनाटॉस और ये दोनों जो है किसका पार्ट है आपके ड्राइविंग फोर्स का ड्राइविंग फोर्स किसके है ये आईडी के तो आईडी को कौन चलाता है या तो आपका लाइफ फोर्स जो आपको बोलता है डिजायर्स के बारे में या तो फिर थेनाटॉस जो आपको नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में बताता है ठीक है इसको हम डिपेक्ट करते हैं थेनेटॉस को डेथ से और एरोस को लाइफ से The the aim of of Thanatos is to balance the drives of Eros by driving us towards death and destruction. When the personality is dominated by ID, then the individual tends to become more impulsive. ठीक है, वो ज़्यादा impulsive हो जाते हैं इंपल्सिव हो गया जो सोचने समझने के बगैर react करते हैं सच पीपल विल डू what दे want इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम प्लेस एंड सिचुएशन जस्ट लाइक अ किड ठीक है तो ये हुआ आपका आईडी और आईडी में याद रखना ड्राइविंग forces कौन है आईडी के Eros एंड Thanatos. सपोज अ टेन इल्ड चाइल्ड वॉन्ट्स टू ईट अकूप ऑफ आइसक्रीम केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बट ही नोज दैट ईटिंग आइसक्रीम विदाउट सीकिंग द परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स विल भी पनिश्ड तो इसने क्या किया यहाँ पे लॉजिक लगाया कि अगर मैं खुद जाऊं ये एग्जाम्पल है आपको क्लियर करने के लिए कि अगर मैं खुद जाऊं और वो आइसक्रीम निकालूं और खाऊं तो क्या होगा मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो इसमें इतना सेंस डेवलप हुआ था कि वो एक लॉजिक जो है वो अप्लाई कर सके लाइफ के किसी भी एक इवेंट पे द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर दिस रियालिटी चेक अब ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो उसकी डेवलप हुई है जिसमें वो इतना केपेबल हुआ है कि वो लॉजिक अप्लाई कर सके उसको हम बोलते हैं उसका ईगो सो ईगो वर्कस ऑन रियालिटी प्रिंसिपल जो डिले कर सकता है आईडीज ग्रेटिफिकेशन नीड अगर यहाँ पे आईडी होता फिर चाहे उसको आइसक्रीम खानी है फिर चाहे बाहर बर्फ हो कुछ भी हो उसने कुछ खाया हो ना खाया हो पेरेंट्स की मर्जी हो ना उसको आइसक्रीम खानी है वो आइसक्रीम खाएगा वो ई वो आईडी होता जिनको क्या चाहिए वो इम्पलसिव होते हैं और इमीडिएट गिफिकेशन होती है उनके इसमें कैरेक्टर पर्सनालिटी में लेकिन इसमें हम बात करते हैं रियलिटी प्रिंसिपल की ईगो में एंड ये क्या कर सकता है केपेबल है डिले करने के लिए ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकता है ग्रैटिफिकेशन नीड ठीक है अनटिल नीड विल बी डिलेड अनटिल एन अप्रोप्रिएट एंड मोर रियलिस्टिक सिचुएशन इज नॉट फाउंड फाइन द पार्ट दिस पार्ट ऑफ पर्सनलिटी इमर्जेस फ्रॉम आई डी एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आईडी इम्पलसिव नीड्स एंड द रियाटी ऑफ द वर्ल्ड तो ये क्या करता है एक बैलेंस स्ट्राइक करता है आई डी की इम्पलसिव नीड्स के बीच में और रियालिटी ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जैसे अभी आइसक्रीम वाली एग्जाम्पल में उसने क्या किया एक बैलेंस किया कि उसको आइसक्रीम भी खानी है वो अपनी नीड को पूरा भी करेगा लेकिन रियालिटी क्या है उसको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए तो ही विल वेट थोड़ा ठीक है वो आईडी की तरफ अपनी मनमानी नहीं करेगा ये इसको हम बोल सकते हैं It is the decision making component of our psyche and works on logic only. In the word of Freud, ईगो इज दैट पार्ट ऑफ आई डी विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाई द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ठीक है जिसको मॉडिफाई कौन करता है उसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है एक एक्सटर्नल वर्ल्ड का सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में वो बात नहीं करता है एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी आता है अभी हम सोशलाइजेशन वाली पार्ट सोशलाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस नहीं करें वो कहाँ पर आ जाएगा आपका सुपर ईगो में अभी ये सिर्फ इंफ्लुएंस्ड है फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड आगे देखते हैं सुपर ईगो सुपर ईगो जैसा मैंने आपको बोला इट इज अ मॉरल मास्टर और द मॉरल गुरु ऑफ आर पर्सनालिटी जो क्या चीज देखता है कोई भी चीज करने से पहले क्या वो चीज में मॉरल्स है या नहीं जो मॉरलिटी चेक रखेगा हर चीज पे ठीक है वो चीज करना जायज है या नहीं अगर हम कंटिन्यू करें सेम एग्जाम्पल रेफर्ड इन द लास्ट सेक्शन वेदर द टेन ईयर ओल्ड किड विल आस्क परमिशन फ्राम हिज पेरेंट्स और नॉट फॉर ईटिंग स्कोप ऑफ आइसक्रीम डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सुपर ईगो ठीक है सिंस सीकिंग परमिशन इज मॉरली करेक्ट बिहेवियर इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सुपर ईगो इन द चाइल्ड तो अगर वो परमिशन लेता है उसकी पेरेंट्स की तो ये मॉरली एक करेक्ट बिहेवियर है कि हाँ उसके अंदर मॉरल्स हैं तो ये चीज डिपेक्ट करेगा कि उस इंसान के अंदर उस बच्चे के अंदर प्रेजेंस ऑफ सुपर ईगो है क्योंकि ही नोस कौन सी चीज मॉरल है उसके लिए और कौन सी चीज इमोरल है तो रोल ऑफ सुपर ईगो क्या है इंटरनलाइज करना मॉरल्स को एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी को और हम कैसे सोसाइटी के मॉरल्स को इंटरनलाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन क्या होता है जो आपको सोसाइटी के डूज एंड डोंट्स आपकी फैमिली आपके पेयर ग्रुप आपके रिलेटिव से पता चलता है कि सोसाइटी के लिए हमें क्या सोसाइटी में एक अच्छा मेंबर बनने के लिए क्या चीजें हमें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उसको हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं वो आपका सोशलाइजेशन होता है ठीक है ये जो सुपर ईगो है ये कंट्रोल करता है इम्पलसिव अर्जेस ऑफ द आईडी और परसिव करता है ईगो को टू चूज मॉरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंस्टेड ऑफ ओनली रियलिस्टिक बिहेवियर ठीक है तो ये क्या करेगा जिस इंसान के अंदर सुपर ईगो होगा तो वो आपके आईडी को कंट्रोल करेगा एंड वो परस्यू करेगा ईगो को कि वो मॉरली जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर ध्यान दे और ना रियलिस्टिका लॉजिक बेस्ड होता है आईडी हमारा इम्पल्सिव नीड बेस्ड होता है दिस पार्ट ऑफ अर साइकिल जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द एज ऑफ थ्री टू फाइव इन अकॉर्डिंग टू फ्रीव हमारा जो सुपर ईगो है Consists of two systems. इसमें दो चीजें आती है आईडी में हमने दो पढ़ी ठीक है तो आ, इसमें सुपरिगो में भी दो पढ़ेंगे वो याद रख लेना आईडी में हमने कौन सी दो पढ़ी थी एक आपका था इरास जो आपके लाइफ और सरवाइवल से रिलेटेड है एंड एक था आपका थेटॉस जो आपके डेथ से रिलेटेड है ठीक है या डिस्ट्रक्शन से तो दो सिस्टम्स इन्हने कहे थे कॉन्शियंस एंड आइडियल सेल्फ तो कॉन्शियंस क्या होता है अगर आपने बचपन से कोई चीज़ मानी होगी मतलब ये चीज मॉरली करेक्ट है करना और अगर आप नहीं करो तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा होता है दैट आपके अंदर का वो कॉन्शियंस है जो आपको एक गिल्ट फील करवाता है दिस इज पार्ट ऑफ सुपर ईगो जो रिप्रेजेंट करता है इंटरनलाइजेशन ऑफ सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड इट्स लाइक यू इंटरनल जज जो इवेलुएट करता है आपके एक्शन को बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बचपन में बोला गया है कि जो लाइंग है इज मॉरली रॉन्ग ये आपको चाहे सोसाइटी के वैल्यू से मिला हो ये ये वाला जो ये है एक वैल्यू है या आपको अपने पेरेंट से मिली हो कि झूठ बोलना मॉरली गलत है अब अगर लेटर इन योर लाइफ आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो यू विल विल फील गिल्टी यू टेल अ इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ सुपर ईगो जिसका नाम है कॉन्शियंस कि आपके अंदर कॉन्शियंस है जो आपको कोई काम करने से रोकता है ठीक है आपके अंदर झूठ बोलने से आपको रोकता है धोखा देने से रोकता है क्योंकि थ्रू सोशलाइजेशन आपको पहले ये बात पता चली है बचपन में कि आपके जो ये झूठ बोलना है चोरी करना है सारी चीजें गलत है अब देख लो जो थीव्स वगैरह होते हैं जो आराम से जाके किसी के भी घर में चोरी करते हैं उनके अंदर हम कहते हैं ना कॉन्शियस नहीं है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सुपर इगो कि उनका सुपर ईगो ही डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि उनके अंदर जो कि कॉन्शंसी नहीं है उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ इज मॉरली रॉन्ग है मॉरल उनके लिए कुछ भी नहीं है बस एक वर्ड है मॉरल ठीक है तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये इंटरनलाइज नहीं करी है ये फीलिंग उनकी सोशलाइजेशन जो है वो इस तरीके से नहीं हुई है जहाँ उनको बताया गया हो कि स्टीलिंग जो है ये गलत है लाइंग जो है ये गलत है ठीक है इसलिए वो आराम से शौ... ये जो है चोरी वगैरह कर सकते हैं शॉपिंग बोलने लगी थी दूसरों के घर में जाके आराम से शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि उनका जो कॉन्शियंस है वो डेड हो गया होता है डेवलप ही नहीं हुआ होता है और है आपका आइडियल सेल्फ जो क्या प्रेजेंट करना चाहता है हमेशा एक परफेक्ट वर्जन ऑफ आर सेल्स दैट वी एम टू बिकम फॉर इंस्टेंस यू एडमायर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी तो आप चाहते हो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो उसके अंदर ये दो क्वालिटीज प्रेजेंट हो तो इसको हम एस्पिरेशनल आस्पेक्ट ऑफ सुपर ईगो कहते हैं ठीक है जिसमें वो स्टैंडर्ड और गोल होते हैं जो आपको अचीव करने अगर आपको लाइफ में अच्छा इंसान बनना है तो दैट मीन्स आपका आइडियल एल्स आइडियल सेल्फ कहता है कि आप एक अच्छे इंसान के लिए ऑनेस्ट बनो ठीक है आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर जो है ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए मॉरलिटी होनी चाहिए वो आइडियल सेल्फ आपको बताता है एंड अगर आप कुछ गलत करते हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे गलत नहीं करना चाहिए तो वो आपका कॉन्शियंस आपको बता रहा होता है कि ये चीज जो है करना वो गलत है और ये दोनों चीजें किसका पार्ट है आपके सुपर ईगो का तो आईडी का पार्ट हमने देखा था एरोस एंड थाना सिमिलरली सुपर ईगो के हमने दो पार्ट देखे एक आपका कॉन्शियंस एंड एक आपका आइडियल सेल्फ अकॉर्डिंग टू फ्यूड साइको एनालिटिक थियोरी जो आइडिया है वो प्रिमेटिव है एंड इंस्टिंग इंस्टिंगचुअल पार्ट ऑफ द माइंड की वो इंस्टिंग पे काम करता है कि मुझे ये करना है तो मुझे ठीक है अभी ये करना है वो ज्यादा इस बारे में सोचेगा नहीं दैट कंटेन्स सेक्शुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव एंड हिडन मेमोरीज और सुपर ईगो जो है ऑपरेट एज अ मॉरल कॉन्शियंस कि नहीं ये चीज सही है कि नहीं मॉरल कॉन्शियंस एंड ईगो जो है वो रियलिस्टिक पार्ट है दैट मीडिएट्स बिटवीन डिजायर्स एंड द सुपर ईगो सुपर ईगो ज्यादा मॉरल्स की बात करता है तो ईगो कहीं पे कहाँ आ जाता है थोड़ा लॉजिक अप्लाई करता है ठीक है तो जो लॉजिक अप्लाई करेगा तो आप बोलोगे वो रियालिटी से उतना जुड़ा हुआ है एंड आईडी जो है आपका वो आपका इंस्टिंक्टिव माइंड है इंस्टिंक्टिव माइंड तो उन्होंने ये क्यों कहा है जो जिसमें सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स होती हैं हिडन मेमोरीज क्योंकि उनकी जो थ्योरी है साइको एनालिटिक जो आगे जो हम पढ़ेंगे उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उसमें इन्होंने सेक्सुअल अर्जेस की बात भी की है ठीक है तो इस वजह से ये भी उनकी थ्योरी से हमेशा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है क्योंकि okay, ये डायग्राम देखते हैं ये जो पार्ट है ये आपका कॉन्शियस वाला पार्ट है जिससे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन जो होती है करंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो आपको रिकॉल करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता वो रेडीमेड या रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है ठीक है एंड दिस इज योर प्री कॉन्शियस पार्ट ये हमने क्या कहा था जिसके बारे में ऑल दो ये इन्फॉर्मेशन यू आर अवेयर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन लेकिन थोड़ा इस इसपे फोकस करना पड़ता है एंड दिस इज यूर अनकॉन्शियस पार्ट ये वो वाला पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन आप अनअवेयर होते हो जिसके लेकिन टवर्ड्स द लेटेस्ट स्टेज ऑफ योर डेवलपमेंट आपको इस जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं उसका आपको इम्पेक्ट देखने के लिए देखने को मिलता है अपनी पर्सनैलिटी पे ठीक है और यहाँ पे आपका आईडी हो गया जो इंस्टिंक्टिव होता है ईगो जो लॉजिक बेस्ड होता है एंड सुपर ईगो जो किस पे बेस्ड होता है मॉरल्स पे मोरालिटी बेस्ड और सुपर ईगो क्या करता है ये वो डिपेक्ट करता है वैल्यूज जो इसको थ्रू सोशलाइजेशन मिली होती हैं ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस डायग्राम का आपके एग्जाम से डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है फाइनली हम आते हैं फ्रूड की लास्ट थियोरी पे जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था ह्यूमन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट इज उनकी थियोरी को बोला जाता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ठीक है उनको साइकोसेक्सुअल क्यों बोला जाता है ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा तो देखते हैं फ्र्यूड ने प्रपोज किया था फाइव स्टेज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ठीक है तो इन्होंने अपने मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में फाइव स्टेजेस की बात की थी और एरिक्सन ने कितनी की थी एट स्टेजेस की बात की थी तो हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन सीधे ऐसे आ जाए कि स्टेजेस फाइव किसकी हैं सिक्स किसकी हैं एट किसकी है तो ये याद रख लेना फाइव स्टेजेस फ्र्यूड की हैं ऐसे याद रख लो एफ फॉर फाइव एफ फॉर फ्र्यूड ठीक है एंड एट किसकी है एरिक्सन की

फिक्सेशन होती है उस स्टेज में फिक्सेशन होती है एंड वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप नेक्स्ट स्टेज में देखोगे नेक्स्ट स्टेज में वो विद एग्जाम्पल आगे स्टेजेस में डिस्कस करेंगे ठीक है अनलेस इट विल लीड टू फिक्सेशन फिक्सेशन रेफर्स टू एन अनरिजोल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो एक स्टेज का क्या हुआ होगा रहा होगा अनरिजोल्व कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी एक स्टेज में रहा होगा उसको फिक्सेशन कहते हैं दीज हैव लास्टिंग इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल फिक्सेटेड एट ऑरऑल स्टेज में हैव ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स लेटर ये एक्साम्पल आपको पहले स्टेज में क्लियर हो जाएगी हम आगे देखेंगे एक्जाम्पल पहली स्टेज है इनकी ओरल स्टेज ठीक है बर्थ टू एटीन मंथ दैट मीन जीरो टू एटीन मंथ का जब बच्चा होता है तो वो पहली स्टेज में होता है जिसको इन्होंने तो कहा था ऑरल स्टेज इसको ऑरल स्टेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मोस्टली जो बच्चा होता है वो मुंह का यूज करता है थ्रू साकिंग एंड स्वॉलोइंग तो वो क्या करता है यूजली दूध पीता है या कुछ खाता पीता है बाकी उसका इस स्टेज में और कोई खास काम नहीं होता है तो दे ड्राइव प्लेजर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दम थ्रू साकिंग स्वॉलोइंग ठीक है

वो है सिस्टम स्टार्ट किया उसको चाहे खिचड़ी दे दी या जो भी सर फूड दे दिया ठीक है तो जब वो अभी साकिंग के लिए ही रेडी था लेकिन आपने उसको वो खाना पिलाना स्टार्ट किया तो उसकी अंडर ग्रेटिफिकेशन रह गई वो साकिंग उसकी पूरी नहीं हुई या सिक्स मंथ बियॉन्ड भी आप उसको खाना नहीं दे रहे हो सिर्फ दूध पिला रहे हो तो वो साकिंग की ओवर ग्रेटिफिकेशन हो गई अगर उस स्टेज में ये हुआ तो दैट मीन उस स्टेज की फिक्सेशन क्या हुई ओवर या अंडर ग्रेटिफिकेशन हो गई ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी उसकी ओवर एटिंग बिहेवियर टुवर्ड्स द लेटेस्ट स्टेज ऑफ इस लाइफ जैसे हो सकता है वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करे अडल्टुड में फाइन अगर उसके वो जो ऑरल स्टेज है वो सही से उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं ओवर अंडर ग्रेटिफिकेशन वो अगर रिजोल्व ना हुए हैं वो अनरिजोल्व रह जाए तो लेटेस्ट स्टेज में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी फ्री ने इनको बोला था ऑरल इनकॉर्पोरेटिव और ऑरल इंजेस्टिव लेटर ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन जो है एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम चिविंग एंड बाइटिंग अनएबल टू रिजोल्व दी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस स्टेज मे डेवलप द हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग एंड ऑब्जेक्ट चिविंग इन अडल्टुड तो आप अगर अडल्टुड में देखते हो कोई नाखून चबारा होता है या कोई ऑब्जेक्ट चिविंग कोई चीज खाते आधे लोग चॉक्स वगैरह खाते हैं मिट्टी खाते हैं तो हो सकता है वो प्रॉब्लम रिलेटेड हो उनके ओरल स्टेज से जहां पे उनकी जो साकिंग सॉल्विंग है उसकी ओवर या अंडरग्राटिफिकेशन हुई हो फ्रीव फर्दर पॉइंटेड आउट दैट दिस पीपल आर मोर क्रिटिकल एंड सर्कास्टिक इन नेचर ही रेफर्ड सच पीपल एज औरल एग्रेसिव और ऑरल सैडिस्टिक ठीक है ज़्यादा सर्कैस्टिक और क्रिटिकल होते हैं मतलब ज्यादा क्रिटिसिजम करते हैं चीज़ों का एंड थोड़ा सर्कैस्टिक भी होते हैं नेचर में जो सर्कैजम जिनमें ज्यादा होता है तो अगर आपको ऐसे लोग मिलेंगे तो सोच लेना फ्रीवड की थियोरी के अकॉर्डिंग ये इनकी जो ऑरल स्टेज है वो सही से पूरी नहीं हुई है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह गए हैं जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हुई है सेकेंड स्टेज को बोलते हैं हम एनल स्टेज एटीन टू थ्री ईयर्स जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उसमें अगर किसी का छोटा बेबी होगा तो उनको भी बात पता होगा इस एज में यूजुअली बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग होना शुरू होती है तो वो और एक चीज सीखते हैं वो क्या होता है एक्सपल्शन ऑफ यूरिन एंड फेसेस दैट मींस वो आ, इन चीजों को एक्सपल करना सीखते हैं ठीक है दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज सुसुपोटी करना इस एज में सीखते हैं एटीन टू थ्री ईयर्स आप अगर कई लोग ज्यादा अर्ली स्टेज में इनकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करें तो उनकी डेवलपमेंट यहाँ पे सही से नहीं होती है अगर ज्यादा हार्श रहो आपकी नहीं आपको डायपर रिमूव टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होता है बेसिकली आप डायपर रिमूव करते हो और बच्चे को कोशिश करते हो कि खुद वॉशरूम जाके करें ठीक है वॉशरूम खुद जाके यूज करें तो अगर आप ज्यादा हार्श रहते हो इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग में ये ज़्यादा लीनियंट रहते हो हो सकता है इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाएं इस स्टेज में अब इससे क्या होता है रिजल्टिंग इन टू इधर बींग मेसी लेसर सेल्फ कंट्रोल लेकिन जेनरस इसको हम एनल एक्सपल्सिव बिहेवियर कहते हैं या हो सकता है वो एनल रिटेंटिव कैरेक्टर्स दिखाए लेटर स्टेज में दैट मीन साफ़ हो ऑर्डरली हो लेकिन थोड़ा मीन हो क्योंकि उसको थोड़ा हार्श तरीके से टॉयलेट ट्रेन किया गया है जहां पे बच्चे को थोड़ा हार्श तरीके से आप समझाओ तो फ्री के अकॉर्डिंग वो लेटर स्टेज में थोड़ा मीन बन जाता है लेकिन टाइडी और ऑर्डरली भी रहता है अगर आप लूज अगर टॉयलेट ट्रेनिंग पे इतना ध्यान नहीं दो तो अभी प्यार मोहब्बत से उसको डायपर ही पहनाओ तो हो सकता है उसको सेल्फ कंट्रोल कम हो क्योंकि बड़ा बच्चा अगर डायपर पहनेगा तीन साल का बच्चा अगर डायपर पहन रहा है लेटेस्ट स्टेज में उसका सेल्फ कंट्रोल कम हो उस उसपे जो उसका सेल्फ कंट्रोल है वो कम हो जाएगा और वो थोड़ा मेसी होगा क्लीनलीनेस की तरफ उसका ज्यादा ध्यान नहीं होगा लेकिन ही वुड बी जेनरस क्योंकि उसको हार्श तरीके से कोई चीज नहीं समझाई गई है तो उस बिहेवियर को क्या बोला था एनल एक्सपल्स एंड अगर टाइडी ऑर्डरली लेकिन मीन है दैट मीन्स टॉयलेट ट्रेनिंग थोड़ा हार्श तरीके से दिखाई गई है उसको बोला गया था एनल रिटेंटिव कैरेक्टर्स बाई फ्रूड ठीक है

थर्ड वन इज ए फैलिक स्टेज तो ये सारी स्टेजेस जो है ये आपको याद रखनी है हो सकता है नाम आ जाए कि इनमें से कौन सी स्टेजेस जो है वो इसकी सिगमेंट uh, फ्रूट की है बीच में कोई ऐसा नाम होगा जो स्टेज ने नहीं बोली होगी ठीक है इसमें क्या होता है जेनिटल्स आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं दे बिकम इजिनस रिजन ज्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रंस नोइंगली और अननोइंगली टच दे जेनेटल्स फॉर प्लेजर तो वो डेनेटल्स को टच करते हैं है चिल्ड्रन ऐसे को फॉर प्लेजर टच करना शुरू कर देते हैं टू थ्री टू फाइव ईयर्स के एज के जब वो हो जाते हैं इस स्टेज में इनका कहना था कि एक डिफरेंस आ जाती है मेल्स एंड फीमेल्स में जो मेल्स में है बॉयज हैं बॉयज वो सेक्शुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड देयर मदर्स और उनको थोड़ा वो एक फीलिंग ऑफ राइवलरी डेवलप हो जाती है टुवर्ड्स देर फादर्स क्योंकि फादर्स क्लोज होते हैं मदर के तो मदर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको फादर्स के साथ राइवलरी सी थोड़ी सी अंदर से हो जाती है इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑडिपियस कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व सेक्शुअल फीलिंग टुवर्ड्स देर मदर्स एंड फीलिंग ऑफ राइवलरी फॉर द फादर ठीक है complex, और इसका उल्टा लड़कियों में होता है उनमें थोड़ा सेक्शुअल अट्रैक्शन हो जाती है टुवर्ड्स देअर फादर एंड फीलिंग ऑफ राइवलरी फॉर देअर मदर तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स तो जो लड़कियों में होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है लड़कों में होता है ऑडिपिस कॉम्प्लेक्स है ये फ्री ने दिया था जरूरी नहीं आप ये चीज मानो ए नाम श्योर नहीं मानोगे मैं भी नहीं मानती हूँ पर फॉर द सेक ऑफ इट हमें पढ़ना पड़ता है सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डेवलप्स मच्योरल मच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी अब अगर यहाँ पे ये एज सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हो इंसान ने ओवरकम किया हो विद टाइम इस फीलिंग को तो बाद में जब वो बड़ा हो जाता है उसकी मच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी रहती है अगर हम इस चीज को थोड़ा सोसाइटी से भी रिलेट करें हमने जेंडर के रिलेटेड कितनी चीजें पढ़ी जेंडर में कितनी जेंडर कुएर्स आ गए आपके ठीक है और आपके ट्रांसजेंडर्स हैं ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं ठीक है ठीके? जेंडर न्यूट्रल लोग हैं तो जितनी भी मच्योर एक सेक्सुअल आइडेंटिटी इंसान में डेवलप नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अगर आप फैलिक स्टेज के इशू से रिलेट करो तो हो सकता है यहाँ पे जो इशूज कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं वो अनरिजोल्व रह गए हों जिसकी वजह से लेटर स्टेजेस में उनमें मच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो डेवलप नहीं हुई होती है इट इज जस्ट अ थॉट ऐसा किसी फ्लूर ने नहीं बोला है बाद में ऐसा होगा लेकिन इन्होंने इसको सेक्सुअल आइडेंटिटी से रिलेट किया है तो हम इसको करंट इस चीज से रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूड बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज पर्सनैलिटी इज फॉर्म कम्प्लीटली कि जब आप फैलिक स्टेज कवर करते हो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कंप्लीटली फॉर्म हुई होती है लेटेंसी स्टेज इज 6 टू ट्वेल्व इस स्टेज में जो सेक्शुअल एनर्जी है इंसान की बच्चे की वो चैनलाइज होती है टुवर्ड्स एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज वो यही चीजें करता रहता है अगर आप 6 से बारह साल के बच्चे को देखोगे तो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है टुवर्ड्स दी ऑपोजिट जेंडर वो अपने ही जेंडर के लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं शुरू मतलब बैठे होते हैं अपने ही जेंडर के लोगों के साथ वही उनका फ्रेंड सर्कल होता है एंड आपने क्लास में भी देखा होगा अगर को एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्या दी जाती थी लड़के को लड़की के साथ बिठाया जाता था क्योंकि एक नेचुरल एवर्जन होती है रिपल्शन होती है टुवर्ड्स दी ऑपोजिट सेक्स तो हम फैलिक स्टेज से कहाँ पे आए थे लेटेंसी फेज में एंड फिफ्थ इज येनेटल स्टेज थर्टी टू एडल्टुड तो ये आपका टीन हुआ सेक्सुअल एनर्जी जो है इसमें वापस आ जाती है सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ प्रीवियस स्टेजेस विल हेल्प इन डेवलपिंग अ मच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप विदोजिट सेक्स तो अगर ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप भी होता है जैसे लड़के का लड़की के साथ या लड़की का लड़के के साथ वो एक अच्छा मच्योर रिलेशनशिप डेवलप होता है ठीक है वो इस रिलेशनशिप को फॉर्म करने से इस्टेब्लिश करने से डरता नहीं है अगर उसकी जो पुरानी स्टेजेस हैं दैट इज योर ऑरल स्टेज योर फैलिक स्टेज एनल स्टेज एंड जेनिटल स्टेज ये सारी स्टेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुए हो तो उसकी एक सक्सेसफुल जो है डेवलपमेंट इस स्टेज में होती है जेनिटल नहीं लेटेंसी स्टेज लेटेंसी ठीक है अगर इन सारी स्टेजेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हो तो उसका इम्पैक्ट आपको जेनिटल स्टेज में देखने को मिलेगा जहां पे जो है एक मच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट सेक्स उसका डेवलप होता है अगर वो अनरिजोल्व इश्यू रह जाए प्रीवियस साइको सेक्शुअल स्टेजेस के विल स्टार्ट एग्जिबिटिंग ड्यूरिंग अडल्टुड जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग हेल्थी इंटीमेट रिलेशनशिप विद ऑपोजिट सेक्स डेवलप नहीं कर पाते कई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा होता है उनके बीच में वो जो इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हुआ होता है या तो वाइफ की तरफ से नहीं हो पाता या तो हस्बैंड की तरफ से नहीं हो पाता है तो अगर हम फ्रीव की थ्योरी से इसको एनालाइज करें ये जो स्टेजेस हैं ऑरल फेलिक लेटेंसी एंड जेनिटल इन सब में उसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई होती है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहीं के वहीं रह गए होते हैं वो अनरिजॉल्व हुए होते हैं फिक्सेशन वैसी की वैसी होती है जिस वजह से एडल्टहुड में वो ये चीज़ें सामने आती हैं और वो हेल्थी इंटीमेट रिलेशनशिप जो है फिजिकल रिलेशनशिप ऑपोजिट सेक्स के साथ जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है ठीक है तो ये था हमारा सेगमेंट फ्लोड का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उनकी थियोरीज आई होप ही क्लियर हुआ हो नेक्स्ट वीडियो में हम एरिक्सन डिस्कस करेंगे एंड जो मैंने कोइज अपलोड किया था कोइज नंबर फोर उसका जो सोल्यूशन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे